अच्छा आई इतना मतलब माशाल्लाह से इतना अच्छा टाइम इतने अच्छे लोगों से सीनियर आर्टिस्ट आपने किया आपका करियर भी बहुत वो है एंड एज यू सेड के कहीं ऊपर कहीं नीचे कभी मेन किया कभी साइड कब गया लेकिन कभी कभी ख्याल नहीं आता कि मेरा इतना एक्सपीरियंस मैंने इतना लर्न किया है मुझे कॉन्स्टेंटली लीड पे कैरेक्टर्स मिलने चाहिए कभी ख्याल आता है कि ये थोड़ी ज़्यादा है या नहीं आ, मुझे लगता है अब ऑब्वियसली जो काम आ रहा होता है उसमें से मैं देखती हूँ कि कौन सा करने वाला है कौन सा नहीं करने वाला तो डिपेंड करता है कि काम आपके पास आ गया है तो इसमें मुझे लगता है एक आपकी एक आर्टिस्ट की लक भी होती है कुछ एक्टर्स ऐसे हैं राबिया माशाल्लाह इतने लकी हैं कि उनको उनके राइट right टाइम पे राइट right कैरेक्टर मिला जो उन्होंने वो परफॉर्म किया और उसके बाद दे मेड देयर नेम तो आई थिंक सो कि मैं आ, मेरी थोड़ी लक अभी शायद काम नहीं करी तो मुझे है एवरीबडी नोज इट मेरे बारे में सब जानते हैं इंडस्ट्री में कि ये परफॉर्मर बहुत of course, अच्छी है हाँ। और लड़की बहुत अच्छी है सबसे सब जानते हैं बट आई थिंक मैं भी उस चीज़ का उस मोमेंट का वेट कर रही हूँ कि शायद वो एक मोमेंट मेरा मकसद ये नहीं कि मैं कॉन्स्टेंट एक हिरोइन और एक कॉन्स्टेंट एक लीड एक्ट्रेस और वो रोने वाले कैरेक्टर्स या वो बिल्कुल सीधी सादी एक लड़की मुझे ना एक अपने आप कुछ जिससे मैंने अपने आप को एक कंसीव किया हुआ है आई वॉन्ट टू बी अ आर्टिस्ट एन आर्टिस्ट आई डोंट वॉन्ट टू बी अ सेलिब्रिटी एक सेलिब्रिटी होती है ना वो एक yeah, सेलिब्रिटी ही है एक इफ़ आई एम एन अ आर्टिस्ट तो मुझे एज अ आर्टिस्ट मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से मोल्ड कर सकती हूँ yeah. तो मुझे ये लगता है हाँ ओबियसली चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती हैं कि आप कभी कभी कहीं कास्ट हैं और आप नहीं अचानक से आपको मना mm. कर दिया और कभी आपको कभी यहाँ भी हो गया कि आपको वाटर पाप मेरा मैंने रेडी करवा लिया और मुझे मना कर दिया कि hmm. आपने करी hmm. कुछ और कोई और कर रहा है तो ऐसा भी हुआ है hmm. तो बस ये चीज़ें चल रही है। इसको हैं इसको मैं कैसे फील करती हूँ आप ऐसी चीज़ को जब ये होता है हाउ मतलब यू फील इट या अब वो होता है ना कभी कभी कुछ लोग होते हैं पहली बार हुआ दूसरी बार हुआ फील बार हुआ तीसरी चौथी बार कहते हैं यार अच्छा आदत हो गई है एंड एज यू सेड मेरा टाइम आएगा मेरा टाइम आना है आपका क्या एटीट्यूड है so, मेरा कुछ भी एटीट्यूड नहीं होता इट्स ओके okay. nah, कभी कभी इस तरह भी होता है कि आपको किसी ने कास्ट किया hmm. अच्छे कैरेक्टर के लिए कास्ट किया और फिर गायब हो गए वो लोग hmm. फिर आपको कॉल आ रही है कि उसमें आप सपोर्टिंग या सेकेंड लीड कर दें तो आप फिर कहते हैं यार ये मतलब ये कुछ समझ नहीं आता था ऑब्वियसली मुझे नहीं समझ में आता कि क्या रीज़न है क्या नहीं है नहीं। लेकिन हाँ अब मैं इजी होती हूँ उस बात को ठीक ठीक कोई मसला नहीं है इट्स ओके okay. कोई आपने हार्श ग्रजेस नहीं रख लिया मैंने कि अच्छा ठीक है इसने इस तरह किया मैं इस प्रोडक्ट प्रोडक्शन के साथ काम ही नहीं करूँगी ऐसा मैं नहीं करती इट्स ऑल राइट दूसरा ये आई थिंक दूसरे का शायद उस वक्त उसका शायद नसीब अच्छा चल रहा है सही बात या है। वो उसके लिए लिखा हुआ है वो शायद मेरे लिए नहीं लिखा हुआ नहीं। मुझे ये लगता है इन सारी चीज़ों से कि मुझे पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल क्योंकि आप अगर नेगेटिव होंगे इन सारी चीज़ों को लेके तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे फिर सही बात है बिल्कुल आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है फिर लेट्स वेट फॉर योर टाइम इट्स ओके तो चीज़ें होंगी चीज़ें आएंगी और जैसा ये एक छोटा सा कैरेक्टर सब पसंद कर रहे हैं कोई ऐसा yes, बड़ा कैरेक्टर आई एम आई एम मेरी दुआ और मैं बिल्कुल यकीन रखती रखूँ कि इससे आपके लिए और बहुत रास्ते खुलेंगे इनशाला लोग, इंशाला लोग इंशाला आपको इंशाला एक नई डिफरेंट लुक में देख रहे हैं ना इनशाला बट आपको क्या लगता है इसका क्या सोल्यूशन है इस चीज़ को ये जो आप, आपकी तरह और भी बहुत से आर्टिस्ट इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे आपके दिमाग में कभी आता है कि ये चीज़ हो जाए इंडस्ट्री में तो शायद ये चीज़ कम हो और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को चांसेस मिले या ज़्यादा राइटफुल लोगों को चांस मिले मे बी ऑडिशन कंपलसरी हो जाए कुछ दिमाग में अभी कभी सोचा आप है आप कहें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता ऑब्वियसली प्रोडक्शंस uh, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो अपना बिजनेस देख रहे होते हैं uh, दूसरे कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत ही uh, उनको स्क्रीन पे आने का इतना शौक़ होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है हम हमें कुछ नहीं भी मिल रहा हमें स्क्रीन मिल रही है उनको स्क्रीन की इतनी डिमांड होती है तो जैसे कि नए बच्चे जो होते हैं वो वो ज़्यादातर उनको अपील कर रहा होता है स्क्रीन पे आना hmm. वो स्क्रीन के लिए कहते हैं ठीक है अगर बजट नहीं भी मिल रहा है ओके तो वो राज़ी हो जाते हैं प्रोडक्शन कभी कभी ये चीज़ भी देख लेती है ओके okay. ऑब्वियसली और टैलेंट हमारे पास ऑब्वियसली जब आपके सोशल मीडिया का एक एरा आ चुका है yeah. मैंने जब शुरू किया था तब इंस्टाग्राम नहीं था तब टिकटॉक नहीं था स्नैपचैट नहीं था फेसबुक था उस वक्त लेकिन फेसबुक ही था एक जो चल रहा होता था फेसबुक के थ्रू कोई काम नहीं करता था लेकिन mm. आजकल आपकी एप्लीकेशन से आप लोग लिटरली पीपल आर अर्निंग सो वेल गुड अमाउंट ऑफ मनी दे आर अर्निंग थ्रू एडवर्टाइजमेंट थ्रू ब्रांडिंग कोलेब्रेशन एंड एवरी थिंग तो आ, लोग जो है ना मुझे ये लगता है कि राइट चॉइसेस करना इस वक्त सब सब ना बहुत ज़्यादा आ चुका है okay. इंडस्ट्री में mm -hmm -hmm. और बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा टैलेंट बहुत ज़्यादा लोग

अच्छे वाले हैं वो ऑब्वियसली वो उनका इस तरीके से स्टेटस मेंटेन हो चुका है कि वो अब एक एक लो लेवल पे जाके काम नहीं, नहीं कर सही कर सकते ट्रू और जो नीचे वाले हैं उनको ऊपर ही आना है hmm. तो मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को एक सही कैलकुलेटेड बैलेंस एक्टर बना के इंडस्ट्री hmm. में उसको मूव कर रही हूँ hmm. काम मिलता रहेगा और मुझे तो आगे जाके भी अगर मैंने अभी भी कुछ लीड्स कर लिए उसके बाद आगे जाके भी मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर लगा जो कि मुझे प्ले करना है तो वो मैं तब भी करूँगी आपने बहुत ही अच्छी बात कही है थैंक यू मैं बहुत अच्छी बात की मैंने इस पॉइंट से नहीं सोचा था एंड आई रियली लाइक यू सेड एंड मैं भी इसको अपने काम में अप्लाई करने की कोशिश करूँ मिडल में रहना चाहिए कि ऊपर इतना भी नहीं हो हाँ, किस ना फंसे हाँ, मुझे राहत आजमी ने एक बात बताई थी हम लेक्चर ले रहे थे उनसे तो उन्होंने बोला था कि आप हमेशा ना अपना आपको जहाँ पहुँचना है जहाँ भी आपने अपने आप को देखा है कि मुझे यार मुझे एक लैम्बर खरीदनी है ये आपकी एक एम है तो आप ने हमेशा ना लेम्बर से छोटी वाली गाड़ी अपनी एम बनाएंगे okay. खुद से hmm. ताकि आप हमेशा लैमर लेने के चक्कर में ज्यादा जाद जाद ज्यादा गाड़ियाँ खरीदते रहें या ज्यादा जाद ज्यादा पैसा जमा करते रहे कि नहीं hmm. यार मुझे वो ना लें जो आपको चाहिए hmm. आप hmm. वहां तक ना पहुंचे जहाँ तक आपको चाहिए ताकि hmm. आप बीच में इतना कुछ सीख लें और इतना उसको हासिल करने के लिए आपने जहाँ वो हासिल कर लिया जो आप चाहते थे ना वो आपका स्टॉप लग गया yeah. फिर देर इज़ नो वे आपका वो स्टॉप लग गया और आप वहाँ बस अब बैठे हैं आप आपके पास जिंदगी में hmm. मेरे फ्रेंड्स हैं हैव मनी दे हैव एवरी अब यार क्या करे हमने तो इतना दुनिया भी घूम ली Hmm. हमने इतनी चीजें भी कर ली अब तो hmm. कुछ है ही नहीं अब वो वेन दे आर लाइक ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स वो सब दुनिया में करके बैठ चुके हैं yeah. यार अब क्या करें जिंदगी में अब yeah. जैसे मेरी जैसी लड़की है जो स्ट्रगल भी कर रही है जो अर्न भी कर रही है अभी मैंने अभी मैंने और सोचा हुआ कि यार अब मैं एक टर्की घूमी हूँ तो मुझे अभी और घूमना है मुझे और जाना है मुझे काम करना है तो मेरी जिंदगी बड़ी हैपनिंग हाँ है कीप 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 ट्राइंग हैविंग और कीप लर्निंग थिंग्स सो हमेशा अपने पहुँच से ना थोड़ा सा थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए

ओह oh गॉड मैंने वैसे ना दानिश तैमूर के साथ ड्रामा किया हुआ है वो मुझे बिल्कुल दानिश भाई लगते हैं और uh, मुझे लगता है कि जो पहला काम मैं करूँगी कि वो आई डोंट नो क्या लग क्या होगा ये वैसे अच्छा अगर फर्स्ट मैं आयजा खान बन के उठूँगी पता नहीं आयजा की मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ मैं देखती रहूँगी अपने आप को रहूँगी मैं खुश होती रहूँगी कि वाह अमेजिंग ओके या अच्छा एहसम खान एहसन खान सबसे पहला काम क्या करूँगी मेरे ख्याल से मैं शो करूँगी और एहसन खान बन के जो इतने मज़े का वो शो कर रहे हैं आजकल हाँ। जिस तरह से वो शो करते हैं मैं वो करने जाऊँगी सबसे पहले ओके okay. इमरान अब्बास इमरान अब्बास सच अ ब्यूटीफुल पर्सन बहुत अच्छे हैं तो इमरान अब्बास गाना बहुत अच्छा गाते हैं अच्छा जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं तो मैं सबसे पहले उठ के इमरान अब्बास की आवाज़ में गाना गाऊँगी सजल 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 आई लव हर आईज़ उनकी आँखें बहुत प्यारी हैं तो और मुझे आई मेकअप करने का बहुत शौक है तो मैं अपनी आंखों आँखों में ना मेकअप करूँगी फिरोज खान फिरोज खान फिरोज खान आई थिंक मैं खुद और मोहब्बत की शूट पे जाके उनका जो कैरेक्टर उन्होंने किया है वो मैं प्ले करना वो जो दरबार में नहीं बैठे वैसे पूरा मान के तो वो मैं एक्सपीरियंस करूँगी ओके ठीक है अच्छा मैं आपको दो तीन सिचुएशंस दे रही हूँ और तीन चार नाम दे रही हूँ आपने चूज आपने जवाब देना है कि कौन क्या करेगा ठीक है अगर सेट पे समोसे आ जाए तो सबसे ज़्यादा कौन खाएगा <laughs> मदीहा इमाम आयजा ख़ान इमरान अब्बास या अली अंसारी मुझे लगता है मैं खाऊंगी अगर मैं सेट पर होंगी <laughs> क्योंकि मदीहा तो इतनी पीड़ित है वो वैसे बहुत थोड़ा सा खाती है और बाकी सब डाइट कर रहे होंगे मुझे लगता है मैं खा लूंगी सारे समोसे आई लव समोसा यू लव समोसा आई लव समोसा वो बड़े वाले आलू के जी जी कीमा आलू दोनों चिकन एवरी समोसा अरे मुझे मुंह में पानी आ रहा है समोसे का